इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में अंतर। डेबिट नोट जो है वो कस्टमर बनाता है, जो उधारी खरीदता है वो बनाएगा और सेलर के नाम से बनता है। इसमें क्या होता है, इंटीमेशन होता है, सूचना होती है कि आपको ये डेबिट किया गया है और उसका रीजन भी बताया जाता है कि हम आपसे ये खरीद रहे हैं, इतने रुपए का खरीद रहे हैं, इस डेट को खरीद रहे हैं, ये सारा चीज लिखा रहता है। और कल को जब हम परचेज रिटर्न करेंगे, बेसिकली कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो उसका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए ना, तो ये क्रेडिट परचेज का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। और अगर आप मान लीजिए परचेज को रिटर्न करते हैं तो उसको भी सपोर्ट करने के लिए चाहिए, तो उस समय में ये यूज होता है। इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स इट इज द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्री इन परचेज रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न जर्नल बुक। तो ये समझ में आ गया मेन तीन पॉइंट क्या है, कि जो उधारी खरीदेगा वो बनाएगा, जो बनाएगा उसमें लिखेगा कि हम किससे खरीदे, क्या खरीदे, कितने रुपए का खरीदे, और इसका यूज कहाँ है कि जब हम सामान परचेज रिटर्न करते हैं उस टाइम इसका यूज करते हैं। ओके, क्रेडिट नोट जो है वो जो उधारी बेच रहा है वो बनाता है, सेलर ऑफ गुड बनाता है, इसमें इंटीमेशन होता है कि क्या उधारी बेचा गया है, किसको बेचा गया है, किस तारीख को बेचा गया है, कितने रुपए का बेचा गया है। और ये जो है ये बेसिस होता है किस चीज का, सेल्स रिटर्न बुक का। सेल्स अगर मतलब जिसको हम बेचे अगर उसने कुछ वापस किया तो इस चीज का हिसाब उसमें वो हिसाब लिखने में ये हमारी मदद करता है। दैट्स इट, यही डिफरेंस है डेबिट नोट वर्सेस क्रेडिट नोट का। थैंक यू।